17 दिन के बाद किसान आंदोलन का सब्र अब जवाब देने लगा है। बॉर्डर पर घमासान जारी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में परेशान किसान अब चक्का जाम करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 खेती पर आर पार में देखिए। किसान आंदोलन के चलते आज दिल्ली आने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज किसानों ने दिल्ली जयपुर फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग को बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ पर क्या माहौल है सिंघू बॉर्डर पर आप देखिए, सुबह सुबह ही यहाँ पर सभी लोग तैयार हो रखे हैं। तमाम जो किसान नेता है वो उठ चुके हैं और आगे की जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से तय हो चुकी है। किसानों के उग्र तेवर को देखते हुए सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद बढ़ा दी गई है, जवानों के साथ ही वज्र वाहनों की भी तैनाती की गई है। आंदोलनकारी किसानों ने बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों के अलावा रिलायंस स्टोर्स के बाहर भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच सैकड़ों की तादाद में किसान पंजाब से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के घर और दफ्तर हैं, उनके बाहर किसान जाकर के प्रदर्शन करेंगे। पंजाब के अमृतसर से निकला 700 ट्रैक्टर ट्रोली का जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों का पंजाब से आना जारी है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर हुई बारिश की वजह से किसानों की परेशानी और बढ़ गई। किसानों के कई सामान भीग गए। कई किसानों ने फ्लाईओवर के नीचे डेरा जमाया हुआ है। बारिश से किसानों की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार के दावों की भी पोल खुल गई है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में गाजियाबाद की महिला किसान उतर आई है। महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें अब तक फसल समेत कई योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। प्रदर्शन में कई बच्चे भी शामिल है। किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान मौसमी सब्जियों की खेती करने वाले उन किसानों को उठाना पड़ रहा है जो अपने उत्पाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मंडियों में बेचते हैं। मंडी में ग्राहक भी कम हो गए हैं जिससे सब्जियों के दाम गिर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान आंदोलन ज्यादातर लेफ्टिस्टों और माओवादियों के हाथों में चला गया है। ये वामपंथी दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। गोयल ने किसानों से अपील की है कि वो बहकावे में ना आकर सरकार से बातचीत करें। किसान की मांग ही नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि किसानों के आंदोलन के पीछे सियासत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि आंदोलन में शर्जिल इमाम जैसे देशद्रोहियों की रिहाई की मांग क्यों की जा रही है। किसानों को चाहिए कि ऐसे लोगों को ताबड़तोड़ तो बाहर करे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।